आज भी अपने फिटनेस पे कितना काम कर रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि विराट कोहली आज नॉन वेज नहीं खाता। इतना पैसा, इतना बड़ा एम्पायर, इतने बड़े डील। अभी पूमा के साथ उनका डील हुआ, 300 करोड़ का डील हुआ। कितनी कंपनियों के वो मालिक हैं, और इसके बाद भी इतना टफनेस अपने लिए करते क्यों? इसलिए कि मुझे अपने आप को प्रूव करना, क्योंकि वहां पे पैसे का कोई विषय नहीं है, वहां पे एक इच्छा शक्ति है कि मुझे अपने आप को बड़ा करना। जो 5% लोग दुनिया में सक्सेसफुल होते हैं दोस्तों, उनकी एक आंतरिक इच्छा रहती है सक्सेस होने की, उनकी एक इंटरनल डिजायर रहता है कि मुझे बड़ा बड़ा बनना, और उनका एक खुद का एक अपना प्रिंसिपल होता है, खुद का एक अपना डिसिप्लिन होता है, जिस डिसिप्लिन के लिए वो काम करते हैं, एक इच्छा के लिए काम करते हैं, सोसाइटी में उनका नाम बहुत बड़ा हो जाता है। दोस्तों, ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास वो कोई चीजें नहीं थी जो सक्सेसफुल लोगों के को चाहिए होती हैं, और जो आज चाहते हैं जो लोग, बट वो इसलिए सक्सेसफुल हो गया कि उनकी एक अंदरूनी इच्छा थी। आज विराट कोहली एक रिकॉर्ड के बाद दूसरा रिकॉर्ड तोड़ रहा है, एक रिकॉर्ड के बाद दूसरा रिकॉर्ड खुद के लिए बना रहा है। उसको जरूरत नहीं है, बट आज वो अपने आप को प्रूव भी नहीं कर रहा है, पर आज वो ये चीजें इसलिए कर रहा है कि ये अंदर से लगता है कि कुछ तो करना है, ये अंदर से लगता है कि सोसाइटी को कुछ तो करना है, और ये अंदर से लगता है कि जब वो पवेलियन में जाए और जब वो स्टेडियम में जाए तो लोगों को लगना चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा टैलेंट, एक ऐसा कौशल, भगवान का बनाया हुआ एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसने अपने फील्ड का पूरा नाम, पूरा प्रसेप्शन, पूरा नक्शा ही बदल डाला, इसलिए आज भी अंदर से काम कर रहे हैं। बट सक्सेसफुल लोग आज भी खाने पीने इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचते, और ना ही खाने पीने का प्रॉब्लम दोस्तों आपको भी नहीं है। बट फर्क क्या है कि जो लोग सक्सेस चाहते हैं, बहुत सारे लोग दबाव में सक्सेस पाना चाहते हैं और वो सक्सेस भी नहीं होते, और अगर हो भी जाते हैं तो सेलिब्रेट नहीं कर पाते। बट बहुत कम लोग अगर सक्सेस होते हैं, और वो लोग जो अगर इंटरनली उनको लगता है, अंदरूनी अगर उनकी इच्छा रहती है, तो वो बड़े भी बन जाते हैं। इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखना, इच्छा अंदर से होनी चाहिए आपकी पैसे कमाने की, इच्छा आपकी अंदर से होनी चाहिए कि आपकी टीम बननी चाहिए, इच्छा आपकी अंदर से होनी चाहिए कि मेरा स्किल डेवलप होना चाहिए, इच्छा अंदर से होनी चाहिए कि अगर किसी का टीम नहीं बनना तो हाउ आई बिल्ड माई टीम। ये इंटरनल इच्छा होना बहुत जरूरी है। हाउ यू कैन डेवलप योर स्किल, ये आपको अंदर से लगना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि मेरी टीम को ट्रेनिंग मिलना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि मेरी टीम को ज्यादा सीखना चाहिए, आपको लगना चाहिए मेरा हर एक व्यक्ति जो आप पे विश्वास करके इस कंपनी में आया है, उस कंपनी को पैसा मिले, इसलिए आपको ये अंदर से लगना चाहिए। और ये लोगों को अंदर से लगता है, इसलिए लोग बड़े बनते हैं। वो किसी दबाव में नहीं, वो प्रभाव की वजह से बड़े बनते हैं। और जितने बड़े लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हर एक बड़े व्यक्ति को प्रॉब्लम आती है, बट उनको लोगों को दिखाने के लिए सक्सेस नहीं चाहिए था, उनको खुद को प्रूव करने के लिए और खुद का वजूद रखने के लिए और खुद को पूरी दुनिया में बड़ा करने के लिए सक्सेस चाहिए था। और अपने होने का, जो एक ह्यूमन है उसका होने का कुछ तो मकसद है, ये चीजें प्रूव करने के लिए उनको सक्सेस चाहिए था। इसके लिए वो बहुत बार गिरे, और गिरने के बाद भी बड़े बने, क्योंकि वो लोगों को इंस्पायर करते थे, क्योंकि उनको एक अंदरूनी इच्छा थी। और अगर आपको लगता है कि मेरा नाम हो, अगर आपको लगता है कि आपको बड़ा सक्सेस चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपको बड़े पैसे मिले, आपको लगता है कि आपके पास लविश लाइफ हो, आपको लगता है कि आपका लाइफस्टाइल हो, और अगर आपको लगता है कि आपका ब्रांड हो, तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें तभी हो सकती हैं जब आप किसी चीज को अंदर से या दिल से करते हो। दीर्घकालीन आप अपनी सक्सेस को एंजॉय तभी कर पाओगे जब आप दिल से काम करते हो।